हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी फॉर वीटेक। एंड इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू अबाउट एचपी एनवी X360 और इसके क्या क्या फीचर्स, इसके ऑडियो क्वालिटी, डिस्प्ले क्या है और इसके परफॉर्मेंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स इन द बॉक्स। तो हमारे पास बॉक्स में क्या क्या आपको मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एक आपका लैपटॉप और इसके अलावा ये कुछ यूजर मैनुअल है और इसमें आपको ये 65 वॉट फास्ट चार्जिंग अडैप्टर दिया गया है जो कि ये आपको अप्रॉक्स 1 to 1.5 hours में 0 to 100% आपका लैपटॉप चार्ज कर लेगा। तो ये आपका हो गया अडैप्टर और इसमें आपको एक ये पेन भी दिया गया जो कि इसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 6000 rupees की है। तो आप इस पेन को यूज़ कर सकते हो अगर आपको नोट्स वगैरह में हाईलाइट करना है तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो बॉक्स में हमारे पास इतना ही था। बॉक्स के अलावा मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसके फिज़िकल ओवरव्यू के बारे में। तो बात करते हैं फिज़िकल ओवरव्यू की। तो ये आपका पेल गोल्ड कलर में आपको मिलता है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी कम है, 16.4 mm की थिकनेस है। और वेट की बात करें तो वेट भी काफ़ी कम है, दैट इज़ ऑफ 1.32 kgs ओनली। अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की। तो लेफ़्ट साइड में बात करें तो लेफ़्ट साइड में आपको 3.5 mm का जैक आपको साइड में मिलता है। उसके बगल में आपका टाइप ए USB पोर्ट है, दैट इज़ ऑफ 5 GB/s ऑफ लाइटनिंग स्पीड। उसके बगल में आपका टाइप सी कनेक्टर है, अगर आपको मोबाइल से कुछ ट्रांसफ़र करना है तो आप इसे टाइप सी से कनेक्ट कर सकते हो। राइट साइड में बात करें तो यहाँ आपको टॉप में चार्जिंग पोर्ट दिया गया और बॉटम में आपको टाइप ए USB पोर्ट दिया गया और उसके नीचे SD कार्ड रीडर भी है। इसमें आपको डिस्क ड्राइव नहीं मिलता है, तो इन्होंने डिस्क ड्राइव इसमें नहीं दिया जो कि आजकल जितने भी प्रीमियम लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें आपको डिस्क ड्राइव देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अब बैक पोर्शन की, तो इसमें आपको डुअल स्पीकर दिया गया, एक बॉटम लेफ्ट में और एक बॉटम राइट में। और एयर इनटेक पोर्शन आपका इसमें बॉटम अप में दिया गया। एयर रिलीज़ की बात करें तो आपका ये साइड्स में बैक में जो आपका दो ग्रिल्स दिया गया, इन दोनों से नहीं रिलीज़ होता, सिर्फ एक पोर्शन से रिलीज़ होता। यहाँ इन लोगों ने दो इसलिए दिया है ताकि आपका सिमेट्री मेंटेन हो, देखने में लुक अच्छा हो, लेकिन एयर रिलीज पोर्शन आपका सिर्फ एक से निकलता है राइट वाले साइड से। डिस्प्ले की बात करें तो इट हैज़ 13.3 inch ऑफ फुल HD टच स्क्रीन डिस्प्ले, प्लस आपको इसमें 400 nits का पीक ब्राइटनेस मिलता है। तो आपको नॉर्मल डेलाइट कंडीशंस में भी आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि अगर आप इसे आफ्टर 180 डिग्री रोटेट करते हो तो आपका इसमें कीबोर्ड जो है वो आपका डिसेबल हो जाता है, तो आप इसे टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये इट्स अ 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स पिक्सल डेंसिटी, तो इट इज़ अबाउट ऑफ 166 PPI। और स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करूँ तो इसमें आपको 1920x1080 pixel का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है जो कि इस स्क्रीन साइज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, तो आपको इसमें ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिलेगा और आपका मूवीज़ वगैरह मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बात करें स्क्रीन की, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, आप अगर साइड से भी इसमें देखोगे तो आपको इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप इसे कम रेंज के लैपटॉप्स में पहले जो आते थे उसमें आप अगर लैपटॉप स्क्रीन के साइड से व्यू करोगे तो उसमें आपको ब्लरी या आपको इमेज क्लैरिटी आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप इसमें आप सर्टेन एंगल पे भी आप देखोगे अप्रॉक्स 160 to 170 degrees ऑल्सो, तो आपका स्क्रीन में आपको क्लैरिटी आपका मेंटेन रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपका जो स्पीकर्स है वो आपका बैंग एंड लिफ्सन का डुअल स्पीकर दिया गया, तो वो भी आपका इसमें साउंड जो आता है वो काफ़ी क्रिस्प साउंड और साउंड क्वालिटी जो है वो आपका हाई क्वालिटी ऑडियो आउटपुट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस की बात करें तो इट हैज़ इंटेल ईवो सपोर्ट, दैट इज़ इन दिस लैपटॉप यू हैव इंटेल i5 11th generation विथ यू गेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट ऑल्सो। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स क्लॉक स्पीड, इट हैज़ अ क्लॉक स्पीड ऑफ अप टू 4.2 GHz।
इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स रैम, तो रैम आपको 8GB DDR4 लेटेस्ट रैम मिलता है इसमें आपको, और स्मूदनेस में आपको कोई इशू नहीं लगेगा। आप लैपटॉप कितने भी टैब्स ओपन कर लो, सर्व करो ऑनलाइन, तो आपको इसमें लैग देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको टाइम टू टाइम अपने विंडोज़ को अपडेट करते रहना ताकि आपको कोई इशू ना हो। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलता है, पिन डाल लो, फिंगरप्रिंट, और आपका इसमें पासवर्ड भी डालने का ऑप्शन है। तो इसमें मैं अगर स्पीड की बात करूँ तो ये काफ़ी फास्ट है। अगर आप ओपन भी कर रहे हो तो ये विद इन आपका 5 to 10 seconds आपका ये टोटली ओपन हो जाएगा लैपटॉप। तो स्पीड कंपेयर करूँ डिफरेंट लैपटॉप से तो इसका स्पीड काफ़ी अच्छा है। और इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स मेमोरी एंड स्टोरेज, तो स्टोरेज इसका 512 GB ऑफ SSD मिलता है, दैट इज़ फास्टर दैन HDD। दैट इज़ नाउ वट इज़ यू गेट इफ़ यू परचेज अ लैपटॉप, यू गेट टू ऑप्शंस ऑफ SSD और HDD। तो अगर आपको फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं तो इसमें आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगा HDD वाले ड्राइव से। एज़ वी नो आपको इसमें SSD ड्राइव दिया गया, तो ये आपका सुपर फास्ट ड्राइव है, मतलब आपको फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करने हैं तो काफ़ी फास्ट ट्रांसफ़र होगा। तो मैंने एक फ़ाइल 3GB का फाइल कॉपी किया है दूसरे डिस्क से, अब मैं यहाँ पेस्ट करने जा रहा हूँ, तो यू कैन सी हाउ फास्ट इट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर, ओनली 3 seconds। तो आपका ये 3 सेकेंड में 3GB का फाइल ट्रांसफ़र हो गया। तो ये आपका जो SSD ड्राइव है ये काफ़ी फास्ट है फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये 3GB का फाइल आपका 2 to 3 seconds में आपका आसानी से ट्रांसफ़र हो गया। चार्जिंग की बात करूँ तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिलता है। और प्लेबैक की बात करूँ तो आप अगर विदाउट इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हो तो आपको 8 to 10 hours का प्लेबैक आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हो तो आपको 8 to 10 hours का प्लेबैक मिल जाएगा, और अगर आप इंटरनेट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको 6 to 7 hours का आपको प्लेबैक मिल जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स पेन, तो पेन की बात करें तो ये एक्सट्रीमली लाइट वेट है, दैट इज़ ऑफ 21 grams ओनली। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द पेन, दैट डिपेंड्स ऑन यू वॉट यू हैव सेट ऑन योर लैपटॉप। सो यू कैन सी हेयर द टू बटन्स गिवन, वन एंड द बॉटम एंड अदर वन इज़ एट द टॉप। सो आई शो यू द फंक्शन दैट हैज़ बीन सेट इन द लैपटॉप। सो गो टू द HP पेन कंट्रोल ऑप्शन एंड द टॉप बटन हैज़ बीन सेट एज अ राइट क्लिक एंड द बॉटम वन हैज़ बीन सेट एज अ इरेज ऑप्शन। सो यू कैन सेट अकॉर्डिंगली वॉट यू यूज़ द मोस्ट इन अ लैपटॉप, एंड देयर आर डिफरेंट ऑप्शन गिवन। So if I want to select something, I can use my pen for selecting these folders while pressing the top one button that has been set as a right click. And if I want to erase something, that my bottom button has been set as a erase option. So let me draw something. Here I've drawn something, and if I want to erase, I will be just pressing the bottom button and it will erase automatically. So these pen will be helpful for marking the notes that you have been reading in your laptop of, and for different purpose aapko kis cheez ke liye use karna hai to aapka ye pen usme use ho jayega. So for student aapko isme presentation vagera banane hai aur office mein agar aapko presentations vagera show karne hai to ye aapka pen usme kafi acha kaam aayega. तो आज के वीडियो में इतना ही था, होप सो यू वुड हैव लाइक द वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।